मध्य प्रदेश की सुपरहिट लाडली बहना योजना के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ला रही है लाडला भाई योजना, जिसमें बेरोजगार युवकों को घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे। सरकारी नौकरी देने की जगह युवकों को चुनाव के पहले इस तरीके से पैसे बांटने पर आपत्ति भी जताई जा रही है, मगर लगता है कि सभी सरकारों ने चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह से पैसे बांटना ही चुनाव जीतने का सक्सेस फार्मूला जान लिया है। क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी की दर इससे कम हो पाएगी? देखिए बेरोजगारी और इस मुफ्तखोरी योजनाओं पर हमारी रिपोर्ट। नौकरी एक, बेरोजगार अनेक। हर बार भर्ती निकलने का वेट। मुंबई और भीड़ दोनों में कोई नई बात नहीं, लेकिन भीड़ जब बेरोजगारों की हो तो बात जरूरी हो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये भीड़ देखिए, एक बार को आप धोखा खा सकते हैं कि ये यात्री हैं, लेकिन आप गलत हैं। ये भीड़ है बेरोजगार युवाओं की, जो नौकरी की उम्मीद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से एयरपोर्ट लोडर के लिए 2216 पदों पर जॉब वैकेंसी निकाली गई, लेकिन पहुंच गए 25,000 लोग। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये एयरपोर्ट लोडर ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके लिए इतने उम्मीदवार सामने आए। एयरपोर्ट पर जो भी लोग लोडर की जॉब करते हैं, उनका विमान में सामान उतारने और चढ़ाने का काम होता है। इसके अलावा लोडर रैंप और ट्रैक्टर चलाने का भी काम करते हैं। लोडरों की सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए तक होती है, लेकिन ज्यादातर ओवरटाइम भत्ते से इनकी सैलरी 30,000 तक भी पहुंच जाती है। यानी मामूली सैलरी के लिए ये भीड़ इकट्ठी हुई थी। कुछ दिन पहले गुजरात के भरूच से भी बेरोजगारों की भीड़ का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। यहाँ एक फर्म ने 5 अलग अलग रोल के लिए महज 10 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और पहुंच गए थे सैकड़ों लोग। आलम यह हुआ कि भीड़ बेकाबू हुई और बेरोजगारी का भार उठा रहे युवाओं का भार होटल की रेलिंग नहीं सह पाई। गनीमत रही कि रेलिंग जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक के बाद एक दो वीडियो सामने आए तो हमने पड़ताल की कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसी युवाओं की बदहालत किसी और प्रदेश में तो नहीं। पड़ताल में रायपुर, अलवर और पटना का भी वीडियो सामने आया। रायपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने अस्थायी पदों पर एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदकों को बुलाया था। पटना की तस्वीर टीचर भर्ती परीक्षा के समय की है, तो वही अलवर में नजारा रोजगार मेले का है, जहां युवा भीड़ में गिर पड़ रहे हैं। हम देश की कुल बेरोजगारी दर की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में 9.2% की बेरोजगारी दर थी। ये आंकड़े जून 2024 तक है। 2023 में 8.003%, 2022 में 7.33%, 2021 में 5.98%, 2020 में 8%। बेरोजगारी की दर को काबू में करना हर सरकार की प्राथमिकता है, मगर वो उल्टा रहा है। सरकार बेरोजगारों को नौकरियां देने के बजाय मुफ्त पैसा बांटने पर ज्यादा फोकस कर रही है। महाराष्ट्र सरकार हाल ही में लाडला भाई योजना लेकर आई है। शिंदे सरकार ने युवाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेजुएट कर चुके छात्रों को लाडला भाई योजना के तहत हर महीने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। क्या है लाडला भाई योजना ये भी जानिए। युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी। सरकार युवाओं को 10,000 रुपए वजीफा देगी। इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। कर्नाटक सरकार ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता देना तय किया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का तय किया है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या ऐसी योजनाएं बेरोजगारों की भीड़ को कम करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि देश में रोजगार देने की दर पिछले कुछ समय में 6% तक बढ़ गई है, मगर उसके बाद भी बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं हो रही। ऐसे में हमें रोजगार और नौकरी का फर्क समझना होगा। सड़क किनारे सामान बेचना रोजगार होगा, मगर पढ़े लिखे बेरोजगार को उसकी शिक्षा के मुताबिक काम देना नौकरी कहलाएगी। इसलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु का कहना है कि इस बार के बजट में नौकरियों पर ही मोदी सरकार का मुख्य फोकस होना चाहिए।